नाउ वॉट एवर एडजस्टमेंट दे हैव डन, हम उसका रिवर्स करके एक स्टेप पहले पहुंच सकते हैं, एक स्टेप पहले हम आ जाएंगे. सो लेट्स जस्ट सी उन्होंने क्या क्या एडजस्टमेंट करे होंगे. तो ओपन एलिमेंट में हम क्या करते हैं, एलओई को लेस करते हैं, मतलब इन एलिमेंट्स में 3 लेस हो चुका है तो अब हमें ऐड बैक करना पड़ेगा. इसका मतलब ये हो जाएगा 7, 5, 8, सॉरी दिस इज कवर्ड, देन ये ओपन है सो दिस विल बी 9, 6, अगेन ये ओपन है सो 7 एंड 3. उसके बाद ये दोनों रोज में कवर्ड है, ऑल दी 6 एलिमेंट्स आर कवर्ड. कवर्ड में तो कोई भी चेंज नहीं होता है तो इन्होंने भी कोई चेंज नहीं किया है. 5, 3, 0, 0, 0, 0. फिर वापस ओपन एलिमेंट्स है तो इनमें वापस हम ऐड बैक करेंगे सो वील हैव 3, 6 एंड 4. देन दीज टू आर कवर्ड एलिमेंट 0 एंड 0. जंक्शन एलिमेंट ये ऐड हो चुका है तो अब इनको लेस करना पड़ेगा 2, 0. कवर्ड एलिमेंट विल बी सेम 0. देन कवर्ड एलिमेंट्स सेम, जंक्शन एलिमेंट्स इनमें ऐड हो चुका है एलओई तो अब लेस कर देंगे 0, 0. कवर्ड एलिमेंट विल बी 0. सो हमने क्या किया, फॉर ओपन एलिमेंट्स रिजल्टेंट एलिमेंट माइनस एलओई दैट इज 3, जंक्शन एलिमेंट में हमने सॉरी प्लस करा हमने, जो रिजल्टेंट एलिमेंट था उसके ओपन एलिमेंट में नाउ वी हैव एडेड बैक द एलओई क्योंकि पहले वो लेस हो चुका है. जंक्शन एलिमेंट में ऑलरेडी दे हैव एडेड अप, उन्होंने ऑलरेडी 3 को ऐड कर रखा है एलओई को, सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट रिजल्टेंट एलिमेंट माइनस एलओई एंड कवर्ड एलिमेंट विल बी अनचेंज्ड. This was after step 5. ये वाला जो मैट्रिक्स था ये after step 5 था. ये मैट्रिक्स हमें कौन सा मिला, step 4 के पहले वाला मैट्रिक्स, मतलब step 4 is only the drawing of lines. Okay? तो this we can say this is the matrix. Yes, step 4 is only drawing of lines ना. So step 3 के बाद वाला या step 4 के पहले वाला मैट्रिक्स हमें मिला, that is after स्टेप 3. आफ्टर स्टेप 3 हमारा ये मैट्रिक्स ऐसा था. ओके, हमें क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, आफ्टर स्टेप 2 वाला मैट्रिक्स हमसे पूछा गया है. आफ्टर स्टेप 2 में क्या सिर्फ ये डमीरो को हटा देंगे, सो दिस विल बी अवर आंसर विदाउट द डमीरो. आफ्टर स्टेप 2 हमें जो मैट्रिक्स हमें हमारे मैनेजर के पास रहा होगा दैट मस्ट हैव बीन दिस. नाउ वी कैन नॉट गो बिफोर दिस, हम अब कॉलम और रो ऑपरेशन को रिवर्स नहीं कर पाएंगे. क्यों रिवर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना इसमें से कौन सा नंबर लेस हुआ है, इसमें क्या था मिनिमम जो हमने डिडक्ट कर दिया. ये समझ आया हमें कि इधर मिनिमम होना चाहिए, किस लिए वो लेस करके यहाँ 0 आ गया, पर वो क्या था 1, 2, 3, 4 वो हमें कुछ नहीं मालूम, क्वेश्चन में कुछ दिया भी नहीं उसके बारे में. तो मैक्सिमम हम यहीं तक आ सकते हैं. इसीलिए देखो उन्होंने भी बोला है फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना उसमें उन्होंने बोला है व्हाट वाज मैट्रिक्स आफ्टर स्टेप 2 बेस्ड ऑन सच मैट्रिक्स असर्टेन 2 एंड 3. इसी मैट्रिक्स के ऊपर आपको 2 और 3 का रिप्लाई देना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स तक जाके आपको आंसर नहीं देना है. ऑल्दो करेक्ट वुड बी द ओरिजिनल वन,
लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि यू गिव आंसर्स बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक्स ओनली. ओके, सेकेंड वाले पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑपरेटर 1, 2 एंड 5. सो दिस इज ऑपरेटर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 5. इनके लिए मोस्ट डिफिकल्ट टास्क कौन सा, जिसमें इनको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा. तो 1 को सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है, 2 को भी इसमें ही लग रहा है और 5 को भी इसमें ही लग रहा है. दैट मीन्स टास्क T2 विच इज टेकिंग द हाइएस्ट टाइम will be most difficult task for operators 1, 2 and 5. So you will just have to write it in sentence. Task T2 is taking maximum time. Thus, it can be called as the most difficult task for operators 1, 2 and 3. 1, 2 and 5. ओके, थर्ड में क्या पूछा है, हु इज द मोस्ट एफिशियंट वर्कर, हु इज द मोस्ट एफिशियंट ऑपरेटर. फोर्थ वाले का अगर आप देखोगे तो इट हैज रिड्यूस टू 0. इसका मतलब शायद इसका जो टाइम टेकन होगा ना वो मिनिमम होगा. तो रो ऑपरेशंस के बाद ये 0 हो गया सारा. ओके, ऑल्दो हम 100% एक्यूरेसी से तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमें तो इसी को ही देख के डिसाइड करना है ना. तो इसको देख के तो हमें यही लगता है कि ये वाला जो ऑपरेटर है फोर्थ वाला, ये सब चीज़ों में मिनिमम टाइम ले रहा है. 3, 2, 1 और 5 ये सब किसी किसी टास्क में कम टाइम ले रहे हैं, मिनिमम टाइम ले रहे हैं. लेकिन ये जो ऑपरेटर 4 है ये सारे टास्क सबसे जल्दी कर रहा है, सब में ही ये मिनिमम टाइम ले रहा है. सो वी कैन से दैट ऑपरेटर 4 विल बी द मोस्ट एफिशियंट ऑपरेटर. Since operator 4 has all elements 0 after row and column operations, we may say he is the most efficient operator. ये क्लियर है? एनी डाउट्स? ओके, फोर्थ पॉइंट, इफ यू आर नॉट टोल्ड अबाउट एनीथिंग अबाउट द मैनेजर्स एरर, विच ऑपरेटर वुड बी डिनाइड एनी टास्क. अगर आपको मैनेजर का एरर नहीं पता होता, कौन से ऑपरेटर को आप कोई भी टास्क नहीं देते? तो हम असाइनमेंट इसी के ऊपर करते हैं क्या? नहीं, इसमें तो सिर्फ 4 ही है. नहीं, 5 हो जाएंगी ना. वंस द LOE ऑपरेशंस आर परफॉर्म, ये 1-0 एडिशनल बढ़ गया. तो अब जब आप लाइन्स बनाओगे सो यू विल हैव 5 लाइन्स. आपको कुछ बोला नहीं है कि मैनेजर से कोई गलती हुई है, बस ये बताया है LOE का स्टेप करने के बाद तक हमारा जो मैट्रिक्स है दैट इज दिस 4, 6, 4, 0, 0, 2, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 3 and 0, 0, 0, 3, 3, 0, 3, 1, 0, 0. Now when you will draw lines, सारे zeros आपको cover कर रहे हैं. वो तो हमने वो lines बनाई थी 4 जो LOE adjustment के पहले वाली lines थी. LOE adjustment तो अब हो चुके हैं. अब हम इसके ऊपर जब assignment करने जाएंगे तो पहले check करेंगे क्या 5 lines बन रही हैं. Yes, कम से कम 5 लाइंस आपको बनानी ही पड़ेंगी. सिंस नाउ द नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हम इसी को ही लेके अपना असाइनमेंट कर देंगे. इसी वाले मैट्रिक्स पे हमारा असाइनमेंट होगा. सो अगेन वी विल राइट द सेम मैट्रिक्स 4 6
4640003300033001 00. इस मैट्रिक्स पे अगर हम असाइन करें, सो द सेकेंड रो इज हैविंग ओनली 10, देन थर्ड वाला कॉलम इज हैविंग ओनली 10, फर्स्ट रो इज हैविंग ओनली 10, एंड देन ये दोनों ही जो है इनके पास 2 2 0s है. सो ओवर हियर वी कैन डू आर्बिट्ररी अलॉटमेंट. आप किसी को भी कोई सा भी असाइन कर सकते हो. ओके, या तो इसको असाइन करोगे ऐसा, या फिर ये वाला असाइनमेंट होगा. मतलब ऑपरेटर 2 को T4, ऑपरेटर 1 को T5 असाइन करोगे, या उसका रिवर्स. ओके, क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ऑपरेटर होगा जिसको कोई टास्क नहीं मिलेगी. तो जिस भी ऑपरेटर को आपने ये T5 इज द डमी ना, जिस ऑपरेटर को हमने डमी असाइन करा वो तो एक्चुअली टास्क है ही नहीं. हम बोलेंगे उसी ऑपरेटर को कोई टास्क नहीं मिली. दैट मींस ईदर ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2 विल बी डिनाइड एनी टास्क. या तो इसको नहीं, या तो इसको होगा ये असाइनमेंट, या इसको होगा. दो ही पॉसिबल है ना इसमें ऑल्टरनेटिव्स. तो ईदर ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2 विल बी असाइंड नो टास्क. ओके, और फिफ्थ में पूछा है शुड ही कंटिन्यू विद दिस असाइनमेंट, इससे मिलेगा सोल्यूशन, या फिर उसको अफ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा. सो अवर आंसर विल बी ही विल हैव टू स्टार्ट अफ्रेश. इंसर्शन ऑफ डमी रो आफ्टर कॉलम ऑपरेशंस वुड लीड टू रॉन्ग आंसर्स. डमी रो हैड टू बी इंसर्टेड बिफोर द रो ऑपरेशंस. ही विल अगेन हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग. क्लियर है? दिस कम्प्लीट्स अवर असाइनमेंट. ये लिख कर पूरा सोल्यूशन लिख लीजिए, जो भी थ्योरी वाला पार्ट है.